आओ थोड़ी देर भगवत वाणी का पारायण कर लें। और उसे समझने की भी कोशिश करें। भगवान की वाणी में सर्वत्र अमृत ही अमृत छाया हुआ है। साधक के लिए अत्यंत प्रेरणा के स्रोत है और मार्गदर्शिका है। पर जो विषय हमारी साधना से सीधा संबंध रखता है उसके एक दो सूत्र पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। वेदना पर भगवान ने बहुत कुछ कहा, हमें समझना चाहिए कि यही भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी खोज थी। हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, जीभ का विषय रस है, त्वचा का विषय कोई भी स्पर्श भी पदार्थ है, मन का विषय को चिंतन है, इन विषयों में कहीं उलझ मत जाना, इन विषयों में कहीं रस न लेने लगना। ये बात हो सकता है भगवान बुद्ध के पहले के लोगों ने भी कहा हो, अनुसंधान का विषय है। लेकिन भगवान बुद्ध के बाद जो भी साहित्य का निर्माण हुआ अध्यात्म के क्षेत्र में, वहां सर्वत्र इंद्रिय विषयों के बंधन में मत बन जाना, इंद्रिय विषयों के बंधन में मत बन जाना, न उसे अच्छा मानकर उसके प्रति राग करना, न उसे बुरा मानकर उसके प्रति द्वेष करना। लगता है ये भारत के अध्यात्म की और उस परंपरा की चली आई हुई एक शिक्षा है और बहुत अच्छी शिक्षा है। भगवान बुद्ध ने इसमें एक और कड़ी जोड़ी। उन दिनों की भाषा में सलायतन, ये हमारे छह दरवाजे हैं, छह इंद्रिय, और जो इनके विषय हैं उनको भी सलायतन कहा गया। उनके बंधन से बचो, इतना ही कह के नहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने गहराई तक शरीर और चित्त और उन दोनों के पारस्परिक संबंध, इस सच्चाई को खूब गहराई तक अनुसंधान किया, अनुभूतियों के स्तर पर कोई बुद्धि विलास नहीं किया, और फिर इसके परे की अवस्था देख ली तो सारी बात समझ में आ गई। जैसे हाथ में आंवला रखा हो हथेली में, उसे घुमा फिरा के कैसे देख लो, सारी बात समझ में आ गई। तो उन्होंने देखा कि भाई ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषय और इनकी वजह से हमारे मन में राग का जागना, द्वेष का जागना, ये सच है। पर इस सच्चाई की एक और कड़ी है,
बहुत गहराई वाली कड़ी है। सलायतन पच्चया फस्सु, ये छह इंद्रियां अपने अपने विषय से जब इनका स्पर्श होता है तो फस्स पच्चया वेदना, तो उस स्पर्श की वजह से कोई वेदना जागती है, शरीर पर कोई संवेदना जागती है। वो विषय अच्छा लगा, सुखद संवेदना जागती है। वो विषय बुरा लगा, दुखद संवेदना जागती है। संवेदना जागती है उसके बाद तृष्णा जागती है, उसके आधार पर तृष्णा जागती है। वेदना पच्चया तन्हा, तो तन्हा तृष्णा, उसे समेटे रखने की तृष्णा। अच्छी लगी तो उस संवेदना को कैसे समेटे रखें, उसे बढ़ाएं। बुरी लगी तो उसे दूर करने की तृष्णा, दोनों ही तृष्णा है। यह तृष्णा जागी तो बंधन शुरू हुआ। हम ऊपर ऊपर से हमारी आंखों को ये रूप का जो विषय है उससे दूर कर लें, कान को शब्द के विषय से दूर कर लें, नाक को गंध के विषय से दूर कर लें, जीभ को रस के विषय से दूर कर लें, त्वचा को किसी स्पर्शव्य पदार्थ के विषय से दूर कर लें, तो छुटकारा नहीं हुआ। हमारा मानस वो सारे खेल खेलता रहता है। आंखों से कोई रूप दिख नहीं रहा है पर आज के पहले कभी देखा है, चिंतन चलता है उस रूप का, अच्छा है बुरा है। तो वो इस इंद्रिय का जो विषय है वो तो बंद नहीं हुआ, वो अपना काम किया जा रहा है। कान से कोई शब्द कभी सुना, किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, चल रहा है मन में। नाक से कोई गंध, जीभ से कोई रस, स्पर्श पदार्थ शरीर से लगा हुआ, ये सारे मानस अपना खेल खेलते रहता है और उसकी वजह से संवेदनाएं होती रहती हैं और उन संवेदनाओं की वजह से हम राग पैदा करते हैं, हम द्वेष पैदा करते हैं, आसक्ति पैदा करते हैं, उससे दुराव पैदा करते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। ये क्रम तो चलते ही रहा, अंतर मन की गहराइयों में ये क्रम तो चलता ही रहा। मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्सों में मानस को रौंद कर दबा कर किसी तरह से हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की, या मानस को किसी अन्य विषय में लगा करके भुलावे में रखे कि भाई नहीं छोड़ो इस रूप को, गंध को, रस को, देखो ना और कितनी अच्छी बात है, धर्म की बात है, उसी का चिंतन करो। अंतर मन में तो वो विकारों का गब्बार चलता ही रहा। भगवान बुद्ध की बोधि इसी बात की थी कि अंतर मन की गहराई में क्या हो रहा है। अंतर मन की गहराई में प्रतिक्षण शरीर पर जो संवेदनाएं हो रही हैं उसका स्पर्श हो रहा है। काय संफस्सजा वेदना, प्रतिक्षण चलती है जब तक हम जिंदा हैं। काय संफस्सजा वेदना, काया के स्पर्श से वेदना हो रही है, मन काया का स्पर्श कर रहा है, वेदना हो रही है, सुखद हो रही है, दुखद हो रही है और उसकी प्रतिक्रिया चल रही है, तो कहां छुटकारा हुआ भाई? भागने से समस्या का समाधान नहीं होता, पलायन करने से हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसी को देख करके उन्होंने कहा, पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुंग उत्पादी, ज्ञानंग उत्पादी, पन्या उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। ये सारा प्रपंच चित्त और शरीर का और उनकी वजह से उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं का और उस संवेदनाओं को लेकर के प्रतिक्रिया करने का, ये सारा प्रपंच देख लिया और देखते देखते इसके परे की सच्चाई क्या है वो भी देख ली। अरे ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था, कहां से सुनते, ऐसी कोई बात थी नहीं समाज में। बहुत होता तो ध्यान करो, अपने मन को कहीं और किसी बात में लगा लो और छुटकारा हो गया, छुटकारा नहीं हुआ। अंतर्मन की गहराइयों में क्या चल रहा है उसे जानने का काम नहीं किया। तो ये पुब्बे अननुसुत्तेषु, कभी नहीं सुना ऐसी बात, तो कभी नहीं सुनी। उसमें चक्षु खुले, ज्ञान के चक्षु खुले, चक्षुंग दबा दी।
अंतर चक्षु खुले, ज्ञानं उत्पादि, ज्ञान जागा, बुद्धि के स्तर पर समझा कि ये क्या प्रपंच है। देख सुखद लगता है, अच्छा लगता है, राग पैदा करते हैं, दुखद लगता है, द्वेष पैदा करते हैं, ये क्या प्रपंच है, समझा। पन्या उत्पादि, अप्रत्यक्ष अनुभूति के स्तर पर समझा, केवल बुद्धि की बात नहीं है। देख ये संवेदना जागी ना, और देख ये अच्छी लगी तो राग जागने लगा ना, लेकिन जागी भी, हमें अच्छी भी लगी, राग भी जागा, पर समाप्त भी तो हो गई। अरे ये अनित्य है, ये नश्वर है। दुखद संवेदना जागी, देखा जागी, और उसके लिए एक प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई, द्वेष जागा, नहीं अच्छी लगती, इसे दूर करे, इसे दूर करे, उसको भी जाना। और जब उसको देखने सीखा, देखते देखते, अरे ये भी तो समाप्त हुई ना, ओ तो उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, ये इसका स्वभाव है। और इसका स्वभाव ही अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, क्या पागलपन है। उसके प्रति क्या राग करें, उसके प्रति क्या द्वेष करें। यूं अपने चित्त को अंतर की गहराइयों तक सुधारते 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 वेदनाओं के परे पहुंच गए, उस इंद्रियातीत अवस्था पर पहुंच गए जहां इंद्रियां काम करती ही नहीं, रोंधने की जरूरत नहीं है, अब दबाने की जरूरत नहीं है। उस अवस्था में, वो निर्वाणिक अवस्था के साक्षात्कार की अवस्था में कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी, वो शरीर और चित्त के परे की अवस्था है। उसे देख लिया तो सारा प्रपंच समझ में आ गया। तब पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मेषु, अंतर चक्षु जागे, ज्ञान जागा, प्रज्ञा जागी, तो विद्या जाग गई। सही विद्या उसको कहते हैं कि सारी बात समझ में आ गई, अविद्या ही अविद्या थी। अरे जो दुख है उसे सुख माने जा रहे हैं, ध्यान करते करते बहुत बार सुखद संवेदना आई, बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा सुख है, समझ गए क्या सुख है इसमें, समाप्त होती है ना, क्या सुख है, तो जान गए, तो जान गए तो विद्या जागी। और ये क्यों जागता है, इसके प्रति राग या द्वेष, ये समझ में आ गया। ये कैसे रोका जा सकता है, ये समझ में आ गया। और इसे रोक करके इसके परे की अवस्था का कैसे अनुभव किया जा सकता है, ये समझ में आ गया। ये विद्या उत्पादे, सारी विद्या, सारा इन सच्चाइयों को न जानने वाली सारी बातें दूर हो गई, जान गए तो आलोको उत्पादे। तो वो अवस्था, इंद्रियों के परे की अवस्था, अंधकार नहीं है वहां, प्रकाश ही प्रकाश है। पर ध्यान करते हुए जो ये कभी कभी उग्रह निमित्त जागता है आंख के सामने, कोई प्रकाश की एक थोड़ी सी झलक आई, दूर हो गई, प्रतिभाग निमित्त जागता है, वो थोड़ी देर रुका, उससे बहुत परे है ये आलोक। न सूरज की रोशनी से की उसे तुलना की जा सकती है, न चंद्रमा की रोशनी से तुलना की जा सकती है, न सितारों की रोशनी से, किसी प्रकार की इस सांसारिक लोकीय रोशनी से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो आलोको उत्पादि, तो पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु, ये ढूंढ निकाला तो बुद्ध बुद्ध हुए, अन्यथा बुद्ध नहीं। वेदना का बहुत बड़ा महत्व हुआ, तो इस वेदना से संबंधित ही एक दो सूत्रों का आज पारायण करेंगे। 300 इमा भिक्खवे वेदना। हे भिक्षुओं, जब भगवान भिक्षु शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये ठीक है, उनके इर्द गिर्द अधिकांशतः गृह त्यागी पीत वस्त्रधारी भिक्षु रहते थे, पर उन्होंने ये विद्या केवल उन भिक्षुओं को ही नहीं सिखाई, गृहस्थों को भी सिखाई। उनके समय में एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में लोग श्रोतापन्न अवस्था में, सकदागामी अवस्था में, अनागामी अवस्था में गृहस्थ, और थोड़े तो ऐसे जो अरहंत अवस्था तक पहुंचे गृहस्थ, गृहस्थ के माने में। तो विद्या सबने सीखी, तो जब ये कहेंगे भिक्खु भिक्षु, तो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, जो जो अपने दुखों के भेदन करने के काम में लग गया, अपने दुखों से छुटकारा पाने के काम में लग गया, वही भिक्षु। तो इसलिए उनको कहा गया भिक्षु। कथमा तिस्सो, कौन सी तीन है, तो कहते हैं सुखा वेदना, दुखा वेदना,
अदुखम सुखावेदना। आज भारत में, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी हमने देखा, ये वेदना शब्द लंका में भी, बर्मा में भी, थाईलैंड में भी, कंबोडिया में भी, आज की उनकी भाषा में, भारत की भी सभी भाषाओं में वेदना का अर्थ केवल दुख ही रह गया। और वो ठीक भी है, भगवान की अपनी वाणी है कि सारी वेदनाएं दुख ही है, इसी मारे हो सकता है फैली हुई यह बात और फैल गई हो। तो आज जब कोई कहे कि सुखद वेदना, तो लोगों के कान खड़े होंगे, वेदना है और सुखद कैसी हुई? वेदना तो पीड़ा को कहते हैं, पीड़ा सुखद कैसी हुई? तो समझना चाहिए। इसीलिए यहां आने पर यह वेदना शब्द का प्रयोग न करके संवेदना शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, ताकि लोग समझें सुखद भी होती है, दुखद भी होती है, और ऐसी भी होती है जो न सुखद है न दुखद है। इस प्रकार तीन प्रकार की वेदनाओं की बात कही गई। सुखा भिक्खवे वेदना दुख तो दत्थब्बा। अब ये उनका उपदेश शुरू होता है कि भाई ये जो सुख वेदना है ना, इसको कहीं सुख मन ना मान लेना, क्योंकि वस्तुतः सुखद नहीं है, एक भ्रांति है, एक माया है, एक मरीचिका है। बड़ा अच्छा लगा, अरे ये धारा प्रवाह चली, बड़ा अच्छा लगा, तरंगे ही तरंगे ही तरंगे ही तरंगे, ये बिजली का सकरण चला, अरे बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, और समाप्त हो गया ना, तो क्या अच्छा? और इसी को सब कुछ मान करके कहीं अटक जाते तो आगे कदम नहीं रख पाते ना, मुक्त अवस्था तक कैसे पहुंचते? तो इसके चक्कर में पड़ गया कि ये सुखद वेदना ही अंतिम लक्ष्य है हमारी साधना का, और मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। अरे ये दुखद है भाई, जो हमको सुखद लग रही है, लग रही है, वास्तविक स्थिति यह है कि ये दुखद है। तो कहती हैं दुखा वेदना सल्ल तो दठब्बा, और जो दुखद संवेदना है, अरे जैसे कोई तीर लगा हो, कोई भाला दंसा हो, बाहर निकलना है ना, ये कैसा जीवन है, प्रतिक्षण भीतर ही भीतर कभी सुखद चलता है कभी दुखद चलता है, इन दोनों के बाहर निकलना है ना, तो सुखद को भी दुखद है ये समझेगा। बुद्ध ने कहा इसलिए मानते हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, अनुभूति से समझेगा ये सुखद है ये भी दुखद है। अरे जो दुखद है और अधिकांश वो दुखद रहती है, वो तो जैसे तीर लगा है, कितने जन्मों से ये तीर लगा हुआ है, कितने जन्म बिताए दुख ही दुख में, दुख ही दुख में, तीर लगा है ना, दुख का तीर लगा है, भाला धंसा हुआ है, और जीवन बिताए जा रहे हैं उसमें, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, दूसरा जीवन, अंत नहीं, किस कदर उलझ गए, इसके बाहर निकलना है। तो दुख वाले को यूं समझें कि जैसे हमारे भीतर तीर लगा है, ये भवचक्र का तीर है, ये भवचक्र का तीर जब तक है तब तक इस तरह के दुख आने ही वाले हैं, कभी इस बात को लेकर दुखी, कभी उस बात को लेकर दुखी, और उसकी वजह से शरीर में इस प्रकार के दुख संवेदना या उस प्रकार के दुख संवेदना, ये दुख पीछे लग गया, तीर जो लगा है भव तृष्णा का तीर जो लगा है, ये भव संसरण का तीर जो लगा है, उसके बाहर निकलने की विद्या मिली नहीं, तो दुख ही दुख, दुख ही दुख। अदुखम सुखा वेदना अनिच्चतो दठब्बा। अब ये दठब्बा, इस शब्द को भी समझना चाहिए, जैसे कहीं विपश्यना तो पश्यना देखना है, दठब्बा देखो देखना है। आज के भारत में इस शब्द का एक अर्थ रूढ़िक अर्थ हो गया, जिसने साधना भुला दी, हम भूल गए क्या साधना होती है, क्या मुक्ति का मार्ग होता है। आज तो देखने शब्द का अर्थ हो गया कोई रूप देखो, कोई रंग देखो, कोई रोशनी देखो, कोई आकृति देखो, आंख का प्रयोग करो तो जो सामने आया उसे देख लिया। नहीं नहीं, भारत की पुरानी भाषा में वो अर्थ भी था, लेकिन साधना के क्षेत्र में वो अर्थ बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। अनुभव करो, रूप नहीं देखना है। सुखद संवेदना आई, उसका क्या रूप देखोगे, वो काली है कि गोरी है कि प्रकाशवान है कि अंधेरे, क्या देखोगे इस आकृति के, उस आकृति के? अनुभव करो सुखद संवेदना, उसे अनुभव किया, सुखद है दुखद है, दुखद है असुखद है, असुखद है दुखद है, असुखद है, उसको अनुभव करो। आज की भारत की भाषा में भी वो पुराना अर्थ देखने का
आज भी प्रयोग होता है, हम भूल गए, कभी ध्यान से देखते नहीं, अपनी भाषा को हमने ध्यान से समझा नहीं। जब एक आदमी कहता है कि देखिए रसगुल्ला बड़ा मीठा है, तो खाकर देख रहे, तो खाकर क्या देखे, खाकर उसका रूप देखे कि उसका रंग देखे, क्या देखे, खाकर उसे अनुभव देख क्या होता है। ये मखमल बड़ी मुलायम है, अरे जरा छू के देख, छू के देख क्या देखे, उसका रंग देखे। ये गंध बड़ी बड़ी सुगंधित है, बड़ी अच्छी है, तो सुनकर तो देख। ये देख शब्द आज भी अपनी भाषा में इस्तेमाल होता है अनुभव करने के अर्थ में, और साधना में तो अनुभव की ही बात है। पश्चना तो अनुभव करना, दत्थ तो अनुभव करना, दक्षे तो अनुभव करना, ये सारे अनुभव के रूप में लेने चाहिए। रूप रंग रोशनी आकृति से इसका कोई दूर परे का भी संबंध नहीं, ये बात समझ लेनी चाहिए। यतोखो भिक्खवे भिक्खुनो सुखा वेदना दुख तो दिठा होती, दुखा वेदना सल्ल तो दिठा होती, अदुख मसुखा वेदना अनिच्च तो दिठा होती। जब किसी भिक्षु को ऐसा होने लगे कि ये जो सुख वेदना आ रही है तो दुखद है ना, जो दुखद वेदना आ रही है तो तीर की तरह दुख देने वाली है ना, और ये जो सुखद दुख असुखद अदुखद वेदना है ये तो अनित्य है ना, तब अयं उच्यते भिक्खवे, तब ये कहा जाए कि भिक्खु सम्मदस्सो, अब इसका दर्शन सम्यक दर्शन होने लगा। अब कहां उलझ गए सम्यक दर्शन को लेकर के, हमारी दार्शनिक मान्यता ये, तो इसको मानने वाला व्यक्ति तो सम्यक दर्शी, इस पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति तो सम्यक दर्शी, और इस पर जो श्रद्धा नहीं रखता है, इसको नहीं मानता है, वो मिथ्या दर्शी। अरे क्या लेना देना उस बात से, दर्शन हुआ, अनुभूति हुई, अनुभूति सम्यक रूप से हुई, सही तरीके से अनुभूति हुई, सुख आया हमने राग जगाना शुरू कर दिया तो सम्यक अनुभूति कहां, अनुभूति तो हुई, दुख आया हम रोने लगे तो अनुभूति तो हुई, सम्यक कहां हुई, असुख अदुख आया और हमने उसी को अंतिम अवस्था मान ली तो सम्यक अनुभूति कहां हुई। उसकी सही स्वभाव को देख रहे हैं और साक्षी भाव है, साक्षी भाव है, भोक्ता भाव नहीं है, तो उस कहना चाहिए कि सम्यक दर्शन होना शुरू हो गया। दुख है इसका सम्यक दर्शन, दुख के कारण है उसका अनुभूति के स्तर पर सम्यक दर्शन, उसका उपाय है उसको दूर करने का उसका सम्यक दर्शन, और दूर हो गया उस अवस्था का सम्यक दर्शन। तो सम्मदस्सो ऐसा होता है, तब क्या होता है, अच्छिच्छे तणहंग, काट दिया तृष्णा को, तृष्णा का जो बंधन हमें बांधे हुए था, ऐसा करते करते देखते देखते सम्यक रूप से देखते देखते सारी तृष्णा के बंधन को काट फेंकता है। विभक्त यही संयोजन, वो संयोजन जो हमें बांधे हुए है, वो संयोजन जो हमें लपेटे हुए है, उसका विवर्तन शुरू कर दिया, उसको खोलना शुरू कर दिया, जो बंधन थे खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, संयोजन हमारा अलग दूर होते जा रहा है। सम्मा माना भी समया, बड़ा कठिन काम है ये, सारा कुछ करते हुए साधक के मन का मैं नहीं निकलता, मैं कर रहा हूं, मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्त होना है, मुक्त होके रहूंगा, इस प्रकार चल के मुक्त हो जाऊंगा, मैं मेरा ऊंची अवस्थाओं पर जाकर के भी छूटता नहीं, तो ये जो मान है यानी मैं मेरे का भाव है, उसे खूब अच्छी तरह समझ लेता है ये कैसा पागलपन है, ये मैं और मेरे के नाम पर क्या पागलपन चल रहा है। तो उसको माना अभी समया और अंतम काशी दुख सा, और ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि जहां दुखों का नितांत समापन हो गया है ही नहीं, अंत हो गया। तो ये सारा कब होता है, जबकि सुखद संवेदना को दुख जैसा माने, दुखद संवेदना को तीर चुभे हुए दुख जैसा माने, और असुखद दुखद को अनित्य है ऐसा समझे, तो उस अवस्था तक पहुंचता है। तो ये विपश्यना किस तरह से की जाए, ये सारा इसमें समझाया हुआ है। यो सुखं दुखतो अद्द दुखम दखे सल्लतो अदुखम सुखं संतं अदखे नं अनिच्चतो। यो सुखं दुखतो अद्द, अद्द का अर्थ यहां जैसे आगे अदखे उसी भाव में,
कि जो सुख को दुख जैसा देखता है, ये दुख है ऐसा समझता है, दुख मा दक्खी सल्ल तो, जो दुख है उसको तीर चुभे हुई पीड़ा की तरह देखता है समझता है, और अदुख म सुखं संतन, इसे समझना चाहिए। साधना करते हुए बहुत बार इस प्रकार की अनुभूति होती है जिसे हम नहीं कह सकते सुखद है, जिसे हम नहीं कह सकते दुखद है, लेकिन ये बहुत सतही सतही स्तर पर है, ऊपरी ऊपरी स्तर पर है। भगवान जब अदुख और असुख की बात करते हैं तो बहुत गहराई की बात करते हैं, इसीलिए संतन शब्द का इस्तेमाल किया। ध्यान करते करते उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय, फिर भंग भंग भंग, यूं करते करते हम ओलारी को स्थूल से सूक्ष्मता की ओर चले जा रहे हैं, सुखुमा सुखुमा सुखुमा। आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आती है कि भीतर अनुभव हो रहा है लेकिन नहीं कह सकते कि सुखद संवेदना है, नहीं कह सकते दुखद संवेदना है, बड़ी शांति है संतन, बड़ी शांति है। मानस की उन गहराइयों में जहां बहुत से विकार निकल गए, बहुत से विकार निकल गए, तो भीतर एक बड़ी शांति, एक बड़ी प्रसिद्धि, कि कैसी शांति है। उस समय पता ही नहीं लगता कि इसमें कोई उत्पाद व्यय भी हो रहा है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म अवस्था में उत्पाद व्यय हो रहा है, मानस उसे नहीं पहचान सकता। तो अधिकांशतः एक कठिनाई है, ये खतरा है कि साधक समझ लेता है कि मुझे अंतिम अवस्था मिल गई, निब्बानंग परमंग सुखं, निर्वाण सुख शांति का है, तो हमें तो सुख शांति मिल गई, देखो कितनी शांति है, आ गया ना, धोखा हो जाएगा, अविद्या है, तुम्हें होश नहीं है, अभी इंद्रिय क्षेत्र में ही गुजर रहे हो। बहुत साधक आते हैं जो महीने के कोर्स में बैठते हैं, डेढ़ महीने के कोर्स में बैठते हैं, आते हैं कि हमें निर्वाणिक अनुभूति हो गई, क्या हुआ भाई, भीतर इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली, बड़ी अच्छी बात। अब की ऐसी अवस्था आए तो जरा देख लेना, आंख खोल करके, तुम्हारी आंख काम कर रही है क्या, कान से सुन के देखना, सुन रहा है ना, सभी इंद्रियों से चूंटी काट के देखना, शरीर में मालूम हो रहा है ना कुछ, अरे तो काय का निर्वाण आया, अभी इंद्रिय अवस्था है ना, शांति आई इंद्रिय अवस्था में, अच्छी बात है, अंतिम लक्ष्य नहीं है, अभी इसके ओर आगे जाना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी एक बहुत नन्ना सा, बहुत सूक्ष्म सा उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय चल रहा है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है उत्पन्न, बड़े सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है, ऐसा समझता जाएगा, अन्यथा उसी को नित्य शाश्वत ध्रुव मान लेगा तो अविद्या में पड़ गया, बेहोश में पड़ गया, बहुमूर्ता में पड़ गया, अरे नहीं अभी मेरी इंद्रियां काम कर रही है, वो तो इंद्रिय के परे की अवस्था भी नहीं आई, तो देखूं इसको ध्यान से। तो ये अदुख असुख की जो बात भगवान कहते हैं वो उस अवस्था की जो बहुत शांत अवस्था है, वहां जाकर के अनित्य बोध को और दृढ़ करना पड़ता है, अनुभूति के स्तर पर और दृढ़ करना पड़ता है, तो साधक छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ जाता है और इंद्रियों के परे की अवस्था में पहुंच जाता है। वहीं अटक गया तो ये बीच की धर्मशाला है, बीच की धर्मशाला में अटक गया, आगे बढ़ना ही बंद हो जाएगा। देखा हमने अपने अनुभव से भी, अनेकों के अनुभव से भी, जो जो लोग किसी प्रकार की दार्शनिक मान्यता में उलझे हुए हैं उनके लिए वो दार्शनिक मान्यता प्रमुख है, मुक्त हो जाना उनके लिए प्रमुख नहीं, विकारों से छुटकारा पा लेना उनके लिए प्रमुख नहीं, उनके लिए प्रमुख है कि हमारी जो मान्यता है दर्शन की वो कैसे सिद्ध हो और उसको हम अनुभूति पर उतारें। तो जहां इस तरह की अवस्थाएं आने लगी, सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे ही तरंगे ही तरंगे, वो तो बहुत ऊंची अवस्था, बहुत ऊपरी ऊपरी अवस्था है अभी, बस एक एक अणु चैतन्य चेतन हो उठा तो हमें परम चैतन्य की अनुभूति हो गई, तो ईश्वर की अनुभूति हो गई, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, हम मुक्त हैं, ऐसा व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा। उससे नीचे शांत अवस्था आई, ये परम शांति की अवस्था, ये ईश्वर के दर्शन की अवस्था, उसकी अनुभूति की अवस्था, या ये हमारे आत्मा की अनुभूति की अवस्था, उलझा है ना अपनी मान्यताओं में, उलझा है ना। सच्चाई ये कि तुम्हारी मान्यता जो कुछ है एक और रखो भाई, तुम अनुभूति पर उतरो,
हर बात अनुभूति अनुभूति अनुभूति, ये मानकर चलो कि अंतिम अवस्था इंद्रियों के परे की अवस्था है, तो हर पड़ाव पर ये देखते रहो जो अवस्था आए कि अभी इंद्रियों के क्षेत्र में ही है ना, इंद्रियों के क्षेत्र में तो जरूर अनित्य है, और ध्यान से देखेंगे तो साफ मालूम होगा अनित्य है, तो ठीक रास्ते चलता चला जाएगा, अन्यथा आरोपण करने लगेगा। जो अनित्य है उस पर नित्य का आरोपण करने लगेगा, जो दुख है उस पर सुख का आरोपण करने लगा, जो मैं नहीं मेरा नहीं उस पर मैं मेरे का किसी दार्शनिक मान्यता का आरोपण करने लगेगा, सारा रास्ता रुक जाएगा, बस वहीं गाड़ी रुक गई, आगे जा नहीं पाएगा। ऐसा बहुतों में देखा, आते हैं भागे भागे कि हमने आत्मा का दर्शन कर लिया, हमने आत्मा से आत्मा को देख लिया। अजीब है, तुमने आत्मा को आत्मा से देख लिया तो क्या देख लिया? बस यही देख लिया कि ऐसी अवस्था कोई आई, हमने आत्मा को आत्मा से देख लिया, हमने परमात्मा को देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया। अरे अनित्य है भाई, उसको अनित्य ही मानो और फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। ये कहा गया कि इस तीसरी अवस्था में जो बड़ी शांत अवस्था है उसको कोई अंतिम अवस्था न मान लेना, वो भी अनित्य है, ये समझते हुए ये अनुभव करते हुए आगे बढ़ोगे। सैवे सम्मदसो भिक्षु, उस तरह का कोई भिक्षु साधना करने वाला जो इस प्रकार का सम्यक दर्शन किया जा रहा है, सच्चाई को यथाभूत देखना यह सम्यक दर्शन है। जैसी है वैसी है, इसका स्वभाव अनित्य है तो अनित्य है, ये दुख है तो कितनी पीड़ादायक है, ये सुखद है तो ये भी दुख ही है, यो उसको सम्यक रूप से देखता है। परिजानाति वेदना, बार बार सुना है ये परिजानाति शब्द, वेदनाओं की सारी परिधि देख गया, उसकी जो सीमा है जहां जहां वेदना है वो सब देख गया, चाहे सुखद है चाहे दुखद है, चाहे असुखद अदुखद शांत है, सब देख गया। वो सब देख गया कि नहीं देख गया, उसने परिपूर्ण रूप से इस क्षेत्र की जानकारी कर ली कि नहीं कर ली, उसका क्या प्रमाण? एक ही प्रमाण है कि उसकी परे की अवस्था देख ली, तब पता लग गया कि यहीं तक था, ये वेदनाओं का खेल यहीं तक था, इसके आगे नहीं है, तो उसको परिजानाति कहें। तो इस भाव में कहते हैं कि परिजानाति वेदना, वेदना संपूर्ण क्षेत्र को देख गया, कुछ बाकी नहीं रह गया, कोई कोना खजूना भी बाकी नहीं रह गया, सबके परे चला गया। सो वेदना परिन्याय, ऐसा व्यक्ति वेदनाओं को जान करके, उसके सारे क्षेत्र को जान करके, दिट्ठे धम्मे अनासवो, अब देख लिया उसने, उसका साक्षात्कार कर लिया, किसका? उस अवस्था का, जो अवस्था किसी को अनाश्रव बना देती है। आश्रव सारे समाप्त हो गए, आश्रव जब तक हैं, जब तक मन में मैल है तब तक अरहंत अवस्था नहीं प्राप्त हुई, तो मुक्त अवस्था, नितांत मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त हुई। वो इस सारी क्षेत्र को, वेदना के क्षेत्र को देख करके, परे जा करके, तब उस अवस्था पर पहुंच गया कि जहां उसने अनाश्रव अवस्था का साक्षात्कार कर लिया। ऐसा व्यक्ति कायस्य भेदा, उसके काया का भेदन होता है यानी मृत्यु होती है, धम्मठो, क्योंकि व्यक्ति धर्मिष्ठ हो गया, बौद्ध धर्म में पक गया ऐसा नहीं, हिंदू धर्म में पक गया ऐसा नहीं, जैन धर्म में पक, बावले लोगों की बातें हैं, उसमें उलझे रह जाओगे, धर्म नहीं मिलेगा, हिंदू धर्म मिल जाएगा क्योंकि हिंदुत्व का प्रभुत्व है वहां पर, बौद्ध धर्म मिल जाएगा क्योंकि बुद्धत्व का प्रभुत्व है वहां पर, बातों का अनुभव कुछ नहीं, जैन धर्म मिल जाएगा क्योंकि जैनियों का प्रभुत्व, कुछ नहीं मिलेगा। धर्म, धर्म माने जो सच्चाई है, जो प्रकृति के नियम है, उस सारे जान गया तो धर्मिष्ठ हुआ, जीवन में धर्म उतरने लगा। ऐसा व्यक्ति काया का भेदन होने पर यानी मृत्यु होने पर क्या होता है उसका? संख्यनोपेति वेदगु, ऐसा व्यक्ति वेदगु हुआ ना, सारे वेदना के क्षेत्र को जान गया, वो वेदगु हुआ, वेदना के सारे क्षेत्र को जानने वाला व्यक्ति। संख्यनोपेति, क्या संख्यन माने? ये इंद्रिय जगत का सारा खेल, लोकीय जगत का सारा खेल, निरय लोक से लेकर के अरूप ब्रह्म लोक तक का सारा क्षेत्र संख्यक है, गिना जा सकता है, कितना बड़ा है, क्या है, क्या इसका वर्णन किया जा सकता है। वो वर्णनातीत अवस्था में पहुंच गया, उस अवस्था में पहुंच गया कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, निर्वाणिक अवस्था में चला गया। ऐसा अरहंत मृत्यु के बाद उस अवस्था में पहुंच गया
कि जो वर्णनातीत है अब उस वर्णनातीत अवस्था से फिर करके वापस इस वर्णन वाले अवस्था में नहीं आता। वो जो अनंत की अवस्था है उसमें से होकर के फिर दोबारा ये जिसको गिना जा सके, जिसको माप के बताया जा सके, उस अवस्था में नहीं आता, यानी सदा के लिए मुक्त हो गया। और सारा लक्ष्य साधक का यही है कि इस भव चक्र के बाहर कैसे आए। इन संवेदनाओं का परिज्ञान इसलिए कर रहे हैं कि चाहे रूप ब्रह्मलोक हो, अरूप ब्रह्मलोक हो, वहां तक भी ये उत्पाद वे का क्षेत्र चल रहा है, इसके परे की अवस्था नहीं आई। उस सबको पार कर जाएगा तब देखेगा अब ये उत्पाद वे समाप्त हो गया, अब ये वेदना का क्षेत्र समाप्त हो गया, अब ये इंद्रियों का क्षेत्र समाप्त हो गया, पहुंचना वहां तक है। उसके लिए इस छोटे से सूत्र में सारा मार्ग बता दिया, सारी विधि बता दी।